नॉमिनेशन करने जा रहे हैं जो जिला पार्षद उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने जा रहे हैं। राजू जी से हम बात करेंगे, चेसी से हैं और जनता जनार्दन से बस एक ही नारा है कि यहाँ अभी जिला परिषद उम्मीदवार है नहीं और कम से कम 1000 से ऊपर राशन कार्ड का वितरण कर चुके हैं। जनता जनार्दन के लिए समर्पित है और जनता जनार्दन के लिए काम करते हैं। कल इनका नॉमिनेशन है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि जनता जनार्दन को क्या क्या एजेंडा पे आप काम करेंगे। अगर नमस्ते राजू भैया का काम करने का तरीका अलग है, इसका क्या कहें? देखिए, जनता को जो बहुत हमको प्यार मिला है, इससे कदम से कदम मिला के चले, जनता हमको सिखाएं कि राजू जी ऐसे कीजिए, राजू जी ऐसे कीजिए। मैं जनता के ही बीच में रहते हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और बहुत अच्छे से जनता अगर हम लड़खड़ाते हैं तो जनता हमको बताते हैं। रात भी हम जनता के बीच में रहते हैं, भाई जी कहते हैं कि राजू जी ऐसे कीजिए, हमको ये नहीं हुआ है, माता जी को भी नहीं हुआ है। तो पहले हम देखे कि ब्लॉक में घोषणा हुआ कि राशन कार्ड के लिए, जनता लोग बहुत तबाह हो रहे थे राशन कार्ड में जमा करने के लिए, तो हम लोग दरवाज़ा पर आए कि राजू भैया ऐसे हो गया, लाइन में लगे हैं बहुत दिन से और फॉर्म हमको नहीं जमा हो रहा है। तो हम बोले ठीक है भाई जी, हम डी ओ साहब से बोल के आएँगे, आप हमको फॉर्म दे दीजिए। तो हम अपना फॉर्म ले लेके जनता के बीच में मैंने घरे हमको जनता पहुँचाते हुए हम जनता के बीच में रहे कि भाई आप लोग जो लोग व्यक्ति को फॉर्म नहीं जमा हुआ है हमको दे दीजिए, हम आपको घर तक रिसीविंग पहुँचा देंगे। अभी हम नौबतपुर पर थे, आप नहीं, अभी नौबतपुर में हम रिसीविंग अभी वितरण कर रहे थे चौराहा पर, हर गांव में जाकर अपने हम रिसीविंग दे रहे हैं, यहाँ से ब्लॉक से लेकर माने पदाधिकारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हल्का फुल्का की नजाई डाली जी हैं, जुझारू नेता हैं या समाज सेवी नेता हैं, दुख सुख में हर लोग के साथ रहते हैं, उसलिए हमको भी यहाँ से कुछ लोग हेल्प देते हैं और जनता भी हेल्प देते हैं। सीधा आप देखिए कि इनका एक ही कहना है क्या कि जनता जनार्दन के लिए सेवा में समर्पित रहेंगे और जनता के लिए ही काम करेंगे। और हम इनसे बात करते हैं कि जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता के बीच में रहिए, काम कीजिएगा तो जनता इनाम देवे करेगा। अभी जनता पूरे बदलाव चाह रहा है, पूरे मध्य के जनता माने बफलाए हुए है कि नया चेहरा, युवा चेहरा, पढ़ा लिखा चेहरा होना चाहिए, माने काम करिंदा चेहरा होना चाहिए। वो राजू जी के लोग हर लक्ष्य पर राजू जी जप रहे हैं और प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, हम भी अपना माने उन लोग के निछावर हैं, जहाँ से हो कदम से कदम मिला के चलने के काम कर रहे हैं। यही हमारा प्रार्थना है कि जनता के माने अब क्या कहें, जनता तो परिणाम देवे करेगा। 8-10 तारीख की गिनती है, आपकी वोटिंग है, देखिए किसको जनता चाहते हैं, तो जनता के बीच में है। सबसे महत्वपूर्ण होता है इस पे आप कैसे काम करेंगे, इंदिरा आवास पे कैसे काम करेंगे, वो थोड़ा बता सकते हैं? हम देखिए कदम से कदम मिला के चल रहे काम करते हैं, तो पदाधिकारी साथ में, जनता साथ में, माने हम भी अपना कीमत वहाँ देते हैं और जो कागज़ पत्र जो खोजते हैं ब्लॉक में के वोटर हो या फोटो हो तो सब भी मुहैया करवाएं। और हम इंदिरा आवास में जो भी होता है धांधली उससे बचाएंगे, ऐसा बात नहीं है। और पहले स्वास्थ्य होना चाहिए और शिक्षा, तो शिक्षा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ का विकास हो जाएगा। और स्वास्थ्य के लिए लीजिए, अभी स्वास्थ्य में देख ही रहे हैं, टाइम पर नहीं हॉस्पिटल खुलता है, नहीं टाइम पर बेड मिलता है, नहीं टाइम पर सुई मिलता है, नहीं पानी मिलता है, तो वो सब हम चाहेंगे सुचारू ढंग से लागू हो। और दूसरे वृद्धा पेंशन हो, माने विधवा माता पिता का भी माने 70 साल हो गए हैं, अभी वृद्धा पेंशन नहीं मुहैया हुआ है, किसी को आधार में नाम छूटा हुआ है, तो उम्र छूटा हुआ है, वो सुचारू ढंग से हम अभी आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। जितने के बाद भी काम करेंगे जनता के माने अपना स्नेह दे रहे हैं कि जितने की भी बात मैं काम करूँगा आगे तो लगा के। ठीक है, थैंक यू सर। सीधा इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे और सेवा जो है यह कमी नहीं होगा, सेवा भाव से सेवा में समर्पित रहेंगे। तो जनता से एक ही नारा है और एक ही अपील है कि अपना मत
राजू जी के लिए दीजिए, क्योंकि राजू जी आपके बीच रहेंगे, सेवा में समर्पित रहेंगे। खबरों के साथ बने रहिए। कुमार रोशन, भारत न्यूज 24।